प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम लिमिट जिसमें एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है वो सारी लिमिट्स डिस्कस करने वाले हैं और आप देखेंगे कि आप इसका जवाब बहुत चुटकियों में दे सकते हैं। तो देखें इसका आंसर आप किस तरीके से दे सकते हैं। इसका आंसर जैसे कि 2/3 होगा, इसका आंसर आपका होगा 4, इसका आंसर होगा आपका 2/3, इसका 4, इसका आंसर होगा आपका 1/32, इसका आंसर होगा आपके पास 1/2, इसका आंसर होगा आपके पास 1/2, इसका आंसर होगा आपके पास 1/4 और इसका आंसर होगा 0। ऐसे बहुत सारी लिमिट्स जिनके आप आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं उन्हें एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे और आगे तक देखते रहेंगे हम इनकी लिमिट्स कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स का कैसे यूज़ करते हैं, ये देखिएगा ध्यान से आप। लिमिट अगर आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x किसकी तरफ जाएगा, तो x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/x किसकी तरफ जाएगा। x एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बहुत बड़ा नंबर है। जैसे मान लीजिए क्या ये नंबर इतना है क्या 10,000, नहीं उससे भी बड़ा है। पर अगर ये 10,000 ही हो तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 0.00001। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो यह आ गया 0.001 आ गया 1/। अगर एक जीरो और बढ़ा देंगे और रिजल्ट छोटा हो जाएगा, और जीरो बढ़ा देंगे और रिजल्ट छोटा होता जाएगा। क्या ये बहुत सारे जीरो बढ़ाने के बाद इज दिस इन्फिनिटी? यहाँ हमने बहुत बार जीरो लिख लिए, करीब 10,000 बार जीरो लिख लिए। अभी 10,000 लिखा था, अब 10,000 बार जीरो लिख दिए, 10,000 बार, 10,000 टाइम्स, तो किसका वैल्यू क्या होगा ये भी आगे पुश होता जाएगा। इज दिस इन्फिनिटी? नो, इन्फिनिटी इज बिगर देन दिस। ये जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार लगातार कम होती जा रही है। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, इसका आउटकम लगातार लगातार कम होता जा रहा है। तो जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इट विल अप्रोच टू वॉट, इट विल अप्रोच टू जीरो। अब एक बात सुनिए, अगर यहाँ पर हम ऐसा लिख दें लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 2/x, तो क्या होगा, तो 2/x लिखो, 3/x लिखो, 2^100 लिख दो, बहुत बड़ी वैल्यू भी लिख लोगे तो भी इसकी तुलना में एज कंपेयर टू दिस x, ये आप क्या कर सके हैं या आप लिख सके हैं। तो जो भी आप अपने हाथ से लिख सकेंगे दैट वैल्यू इज अ फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो अगर हमने पूरी पृथ्वी पे केवल यही लिखा 9999999999, पूरी पृथ्वी में जहाँ जहाँ जगह लिखी मिली, इज दिस इन्फिनिटी? नो, इन्फिनिटी इज बिगर देन दैट। इसका मतलब है जो भी हम लिख सकते हैं, व्हाट्सो एवर वी कैन राइट, व्हाट्सो एवर वी कैन इमेजिन, व्हाट्सो एवर वी कैन इवैल्यूएट, ऑल दोज आर फाइनाइट वैल्यूज। इनफाइनाइट वी कैन नॉट इवैल्यूएट, व्हाट इज दैट, इट इज़ अ वेरी बिग वैल्यू। तो ये दिस अपॉन दिस विल बी वॉट, अगेन इट विल बी वॉट, जीरो। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू, क्योंकि आपको उसके कंसेप्ट के लिए इसका थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप लिखा है 4/x², तो यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो नेचुरली एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 4/∞² क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आई मीन टू से दैट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। व्हाट एम आई सेइंग टू यू, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। सो माय डियर, कीप दिस थिंग इन माइंड, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डजंट इवन नो, नोबडी नोज व्हाट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सपोज ये लिमिट हमने x की जगह इन्फिनिटी रखी, तो यहाँ देखें आप इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी टाइप का ही आ जाएगा, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यूज़ को सर्टेन बनाने के लिए हमें इसमें से पहले क्वेश्चन में से x स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में से। तो ये क्या बन जाएगा, 2+, वहाँ केवल x है तो वहाँ x के अपॉन में x स्क्वायर लिख दीजिए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो वो 1/x हो गया।
वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर में देखें आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या है आपकी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अभी आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर रहे हो, क्यों, अभी एक्स इन्फिनिटी नहीं है क्या, नहीं अभी एक्स इन्फिनिटी नहीं है, एक्स इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट इन्फिनिटी जस्ट नाउ, अभी तो ये फाइनाइट है इसलिए इट कैन बी कैंसल्ड, बट एट द लास्ट आफ्टर सम एक्सटेंट आखिरी में x को क्या मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे, 2 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो और एंड दिस वन अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर इज ज़ीरो अपॉन दिस 3 माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो, 4 अपॉन इन्फिनिटी इज ज़ीरो। सो आंसर इज वॉट, आंसर यू कैन सी इज वॉट, आंसर इज 2 बाय 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में भी हम रियलाइज करते हैं, लेट सी वॉट हैपन्स और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है, क्या फ़ायदा मिलता है। तो लिमिट, सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं देखिएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पहले वाले में से आप ले सकते हैं x कॉमन, लेकिन आप x को उसके अंदर ही रखेंगे, 2 प्लस वन अपॉन एक्स और आप देख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर में इसको अलग कर दें और इसका स्क्वायर अलग कर दें। मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, यस मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है। x माइनस वन, इससे भी x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन बाय एक्स। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में पहले वाले में से x कॉमन लेंगे, 1 प्लस वन बाय एक्स। नीचे दूसरे वाले में से देखिए x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, जैसे हमने इसमें निकला था, इसका आंसर ये लिख दिया है। अभी फिर डिस्कस करते हैं इन सब सारे आंसर्स को। ये x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू बाय एक्स और ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इस तरह से, तो हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे तो ये एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका एक अगला भी सवाल हो सकता है, बहुत नेचुरल सवाल होता है कि अगर ये कैंसिल नहीं हुए तो क्या होगा, अभी हम देखते हैं। 2 प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी आखिरी में एट द मीन्स एट द एक्सट्रीम कि हम ये मान रहे हैं कि ये जब अब हम हमसे x समझ नहीं रहा है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बिकम वॉट जीरो, 1 माइनस वन बाय इन्फिनिटी विल बिकम वॉट जीरो और इधर भी ऐसा ही है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती इस एक्सप्रेशन की, ये ऐसा होता है कि जब x बढ़ता जा रहा है और अनकंट्रोल्ड हो गया तो इसकी क्या वैल्यू होगी। एक लिमिट्स का मेरा बेसिक वीडियो भी है, आप हो सके तो प्ले लिस्ट में जाके उसको भी कवर करिए सो दैट यू विल कम टू नो मोर अबाउट लिमिट्स। ये हो जाएगा 1 माइनस टू बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, ओके सो इट इज़ वॉट आई टोल्ड यू दैट दिस इज 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट, 2 प्लस ज़ीरो 2 प्लस ज़ीरो 2, 2 स्क्वायर इज 4, तो आप देखिए ये लिमिट क्या है इसकी, 4 है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये 1 होगी, ये 1 होगी और ये भी 1 स्क्वायर, ये इसका आंसर है 0, डोंट बी कन्फ्यूज। ओके सो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो बात क्या हुई है, बात ऐसी हुई है कि कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट, इसमें एक रिजल्ट है, ध्यान से सुनिए क्या रिजल्ट है वो, कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट आता है। कैसे आता है, अब एक बार और उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखा मैंने 4x⁴ माइनस 7x³ प्लस एक्स 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 7x⁴ प्लस 3x² प्लस 4। अब आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो जो मैं बोल रहा हूँ व्हाट एम आई सेइंग, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा 4/7, और 4/7 क्यों आएगा, आप क्या करिए x⁴ को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 4-7/x। आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन यू विल गेट दिस वैल्यू प्लस 1/x⁴ अपॉन, यहाँ भी x⁴ कॉमन लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 अपॉन, यहाँ एक्स स्क्वायर है, x⁴ कॉमन लिया तो नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे अगेन यू विल गेट द एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4/x⁴। तो ध्यान से सुनिए, ये आपका ये क्या हो जाएगा, 7 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, दिस
3 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर नेचुरली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 4 इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो, तो सब कुछ जीरो हो गया। आंसर कितना आ गया 4/7, मतलब कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट इसका आउटकम होता है, लेकिन कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो अब उसका भी एक एग्जाम्पल देखो। मान लो आपके पास है 2x+1 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास x²+1, लिमिट क्या है आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसमें कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट 2 है, इसमें कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट डिग्री टर्म इज 1, तो इसका आंसर 2/1 होना चाहिए, पर इसका आंसर 0 होगा। क्यों ऐसा होगा, तो देखो आप इसमें से अगर आप ऊपर में से x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2+1/x, नीचे में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1+1/x². अब इस x से इस x को काट दो, लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट है आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट क्या है आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जगह कम है, अच्छे से दिखे आपको, साफ दिखे। अब आप इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2+1/∞ 0, ये हो जाएगा 1+1/∞² 0, पर दोस्तों यहाँ पे एक इन्फिनिटी बच जाएगा x की जगह, तो जब ये एक x की जगह इन्फिनिटी बन जाएगा तो इन्फिनिटी इंटू 1 इज़ वॉट इन्फिनिटी, ये 2/∞, तो ये 2/∞ कितना होगा 0 होगा। ये क्यों हो रहा है, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर वाले की डिग्री कम है। अगर दोनों की बराबर होती है तभी वो रिजल्ट लगता है कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट का। ये देखिए इन दोनों की डिग्री 2-2 है तो इसलिए आंसर क्या आ गया आपका 2/3। इन दोनों की डिग्री कितनी है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सबसे पहला टर्म होगा 2x होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू एक्स, 4x³ हो जाएगा। इधर देखो एक्स इसका सबसे पहला होगा x स्क्वायर, बाकी सबको छोड़ दो, x² इंटू एक्स क्या होगा x³, इसका सबसे पहला टर्म होगा x³, इसका सबसे पहला टर्म होगा 4x³, हाईएस्ट डिग्री टर्म, तो 4x³ और ये होगा x³, तो 4x³ का कोफिशियंट 4 और नीचे x³ का कोफिशियंट कितना है 1, इसलिए इसका आंसर आ गया 4/1। ये कब होगा, ये जब ही होगा जब ये दोनों की डिग्रीज क्या होगी सेम होगी, जब ऊपर वाले की डिग्री कम नीचे वाले की ज़्यादा होगी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 0 हो जाएगा। और आपके मन में अब एक नेचुरल बात उठी होगी कि ऊपर वाले की ज़्यादा और नीचे वाले की कम होगी तो आई विल एक्सप्लेन यू, वो मैं आपको बताऊंगा, तब आंसर इन्फिनिटी होगा। तो वो कैसे होगा, अगर आप समझ गए हों तो मेरी बेस्ट विशेष है। इसको आप देखो यहाँ पावर कितनी है 10, यहाँ पावर कितनी है 10, अगर दोनों को अपन ऐड करते हैं, हालांकि दोनों के बेसिस सेम है पर मेरे ऐड करने का मतलब दूसरा है। इसका सबसे पहला टर्म होगा 2x⁻¹⁰, और इसके बाद इसका सबसे पहला टर्म कौन होगा, इसका सबसे पहला टर्म होगा x⁻¹⁰, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेंगे 2x⁻¹⁰ इंटू x⁻¹⁰, तो ये हो जाएगा 2⁻¹⁰ x⁻¹⁰ इंटू x⁻¹⁰, क्या बन जाएगा x⁻¹⁰⁰, और कुछ आएगा, तो उनके बारे में हमको नहीं सोचना, ठीक है। इन्फिनिटी के केसेस में डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखोगे तो पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाले में आएगा x⁻¹⁵, सबसे पहला टर्म, दूसरा इसका सबसे फर्स्ट टर्म क्या होगा 2x⁻¹⁵। बाइनोमियली अगर आप देखेंगे तो बाइनोमियली भी समझ में आ जाएगा आपको कि बाइनोमियली, और बहुत सारी टर्म आएंगी इसमें भी बहुत सारी आएंगी, पर जब ये सबकी इनकी पहली इसकी पहले से मल्टीप्लाई होगी तो x⁻¹⁵ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो होगा आपके पास 2⁻¹⁵ इंटू x⁻¹⁰⁰, 15+5 20, और बहुत कुछ आएगा। तो अब अपना क्या कंसेप्ट है, कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट अपॉन कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट, तो कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट ऊपर क्या है ये है, तो ये रह जाएगा, नीचे कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट है ये, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, उनके बारे में मत सोचो, ज़्यादा सोच लेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर है, अब इसको कैंसिल कर दो, 2⁻¹⁰ है, नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस, बेसिस सेम है तो पावर इधर आके माइनस, 1/ क्या हो गया 2⁻¹⁵, 1/2⁻¹⁵ कितना बनेगा 1/32, तो ये आपका आंसर आ गया 1/32। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 4।
एंड फील कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट महसूस करें आप, आपको सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग इज ईजी, एंड आपको उसके जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी बारीकी ध्यान रखना पड़ेगी. तो वी नीड टू बी, आई मीन्स आई एक्सपेक्ट यू टू बी केयरफुल. यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, अगर मैंने लिखा नहीं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा दोस्तों. तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि अभी कौन सा रिजल्ट आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. अगर आप एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो वो सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से एक आ रहा है, हमने उसकी बात की है. आप सारे वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको आपकी क्लास के सारे वीडियोस मिलेंगे और चैप्टर के भी सारे मिलेंगे. इसको रैशनलाइज करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ध्यान रखना. अपॉन में आ जाएगा आपके पास रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स. क्या न्यूमरेटर रैशनलाइज होता है? यस ऑफ कोर्स इट कैन बी, ये रैशनलाइज किया जा सकता है. जैसे डिनोमिनेटर वैसे न्यूमरेटर, ये इससे कैंसिल हो गए. अब आप ऊपर देखो, ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर x है, इसमें से क्या कॉमन लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म. तो इस ध्यान से सुनो, आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से ले सकते हो आप एक्स स्क्वायर. जब आप एक्स स्क्वायर लोगे तो ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस एक्स. लिमिट क्या है आपकी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट आपकी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है. तो अब क्या करेंगे आप, अब ध्यान से सुनिए, ये x है, ये तो बाहर आने को तैयार है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का रूट है, तो ये x हो जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन, ये हो जाएगा x, वो x कॉमन ले लो, ये वाला रूट एक्स स्क्वायर का और इसका x कॉमन, तो यहाँ बचेगा रूट ओवर वन प्लस वन बाय एक्स प्लस वॉट प्लस वन, ये ब्रैकेट क्लोज. अब आप x की जगह इसको कैंसिल कर दें और यहाँ पर लिमिट रख दें, वन अपॉन रूट वन प्लस वन बाय इन्फिनिटी इज ज़ीरो प्लस वन, वन अपॉन रूट वन इज वन, वन प्लस वन इज वॉट टू, सो इट्स आंसर इज वन बाय टू, इसका आंसर वन बाय टू है. आप यहाँ पर भी रियलाइज कर सकते थे इस बात को, लेकिन उसके लिए आपको अगली स्टेप्स दिमाग में होनी कि जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो ये आएगा, इसका कोफिशियंट हाईएस्ट का वन है, इसमें हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट भी देखना है कि इसमें एक्स हाईएस्ट है, एक्स टू द पावर वन, तो इसमें एक्स टू द पावर वन, तो इसका कोफिशियंट देखेंगे, क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी पावर हो जाएगी एक्स, तो इसका कोफिशियंट कितना है, इसका कोफिशियंट वन है, तो रूट वन प्लस, इसका नहीं देखेंगे, इसका देखेंगे, क्यों, ये एक्स टू द पावर वन है और अंडर रूट के बाहर है, तो ये इसका कोफिशियंट, तो ये वन प्लस वन, तो वन अपॉन टू, ये इस तरीके से कर सकते हैं. अब आप अगले क्वेश्चन को देखिएगा, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव. अब इसमें आप ऊपर ध्यान से देखें, ऊपर सिग्मा एन लिखा हुआ है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसका सम होता है एन बाय टू वन प्लस एन, एन बाय टू वन प्लस एन सिग्मा एन, या एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन एन टू स्क्वायर प्लस फोर. अब क्या कर सकते हो आप, तो ध्यान से देखो, अब आप इसको सोचो कि मैं, आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाता है एन स्क्वायर बाय टू प्लस एन बाय टू. इसको देखो एन स्क्वायर प्लस फोर, इसमें आप हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो, हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है आपकी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट डिग्री टर्म है वन बाय टू, नीचे कितनी है वन, तो वन बाय टू अपॉन वन इज वन बाय टू, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आपका हो गया वन बाय टू. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स. आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, अगर आप x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी से डील कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना है. x की जगह आप क्या रख दें, x की जगह आप माइनस वाई रख दें. अगर x की जगह माइनस सॉरी यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा लिमिट माइनस वाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई मतलब प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस वाई. तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट
y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा रूट ओवर 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 2y। अब वही बात रैशनलाइज न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को जब आप रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आने वाला है आपके पास, आपके पास आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 2y इंटू और रूट ओवर 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 2y। और अपॉन में आएगा रूट ओवर 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 2y। लिमिट क्या है आपकी, लिमिट है आपकी y टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट हट गया और इसका स्क्वायर हो गया, ये 4y स्क्वायर है तो ये 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसमें से आप हाईएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लें, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है इसमें, हाईएस्ट डिग्री टर्म है इसमें से y स्क्वायर की, तो जब y स्क्वायर को आप कॉमन लेंगे तो वो रूट के जब बाहर आएगी, अंदर वो y स्क्वायर जैसा बिहेव करेगी, अंदर y स्क्वायर जैसा बिहेव करेगी और बाहर y के जैसा, तो ये y अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2, उसमें से भी ले लिया हमने कॉमन, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए लिमिट, ये y आपका इस y को कैंसिल करेगा, ये y इस y को कैंसिल कर देगा। लिमिट क्या है आपकी, आपकी लिमिट है y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आपके पास ये, इसको मैं अलग कर देता हूँ, आप ध्यान रखना, इसमें अगर y से y कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा ऊपर 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर, देखिएगा रूट के अंदर हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन y, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0 प्लस 2, और ये हो गया आपके पास 1 अपॉन रूट 4 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, सो देयरफॉर योर आंसर इज व्हाट, इट्स आंसर इज 1/4 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 था। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें आंसर क्यों 0 आ रहा है, लेट्स सी, तो आप इसको रियलाइज, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर x प्लस 2 माइनस एक्स और नीचे हो जाएगा आपके पास रूट x प्लस 2 प्लस रूट x। अब आप ध्यान से सुनिए, इसको x से x को कैंसिल कर दें, फिर ऊपर 2 है नीचे से आप रूट x को कॉमन ले लें, रूट x कॉमन लेंगे तो ये अंदर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 बाय x, और ये रूट x है ही आपके पास, और रूट x फिर कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1। अब क्या हुआ, एट द एंड आखिरी में आप देखो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी है, 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 बाय इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस, सॉरी ये ब्रैकेट यूज़ करना है यहाँ से यहाँ तक, ये ब्रैकेट यूज़ कर दिया, 1 प्लस 0 इज़ 1 और उसका स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल कर दें आप, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज़ व्हाट, इट्स आंसर इज़ 0, सो देयरफॉर इट्स आंसर इज़ व्हाट, इट्स आंसर इज़ 0। अब एक बात जो हमारी वो थी कि जब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होगी तब क्या होगा और नीचे वाले की कम होगी, तो एक ऐसा केस आपको डिस्कस करता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप बहुत समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू एक्स प्लस 3, आप ऊपर से कॉमन ले लें एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे से आप x कॉमन ले लें हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 बाय एक्स, इस x से इसको उड़ा दें, स्क्वायर था ये उड़ा दिया, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया आपके पास इन्फिनिटी, अब x की जगह इन्फिनिटी रखें तब आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा, क्यों आएगा उसका कारण है आपको भी समझ में आएगा, x की जगह इन्फिनिटी रख दिया 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, 4 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, 2 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी,
तो ये 4 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो हो जाएगा आपके पास इन्फिनिटी बाई 2, एंड इन्फिनिटी बाई 2 विल बी वॉट, इट इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के 10 भाग, 50 भाग, 100 भाग कितने भी कर दो तो इन्फिनिटी अपॉन 2 विल बी इन्फिनिटी। तो ये था दोस्तों लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कंसेप्ट। होप आपको समझ में आया होगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सारी मेहनत आपको पढ़ाने की है, आप पढ़ेंगे देश आगे बढ़ेगा। मेरी बेस्ट विशेष हैं, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स और डिफ़िकल्टी, प्लीज़ लेट मी नो। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन राइट योर कमेंट, एंड माय बेस्ट विशेष विद यू। आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट।